अवसाना मैया की पहली आरती का हुआ विमोचन। त्रेता युग में भगवान राम के विवाह के उपरांत माता कौशल्या द्वारा दुख दूरिया का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सुहागिन बहनों के द्वारा यह पूजा अयोध्या में धूमधाम के साथ किया गया था। तब से लेकर आज तक सनातन धर्मलंबियों के द्वारा अवसाना माता की यह पूजा प्रथा आज भी चली आ रही है। माताएं बहनें अवसाना माता का विधिव्रत पूजा पाठ करके दुख दूरिया की कथा का श्रवण करती हैं। माना जाता है कि दुख दूरिया की कथा पूजन से सबको मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक दीन बंधु सिंह के स्वर में धरती पर आज पहली बार अवसाना माता की आरती गाई गई, जिसकी रचना कथा व्यास पूज्य संतोष जी महाराज ने की है। अवसाना माता की आरती का विमोचन आज हेलो चैंप्स स्कूल के परिसर में श्री नरसिंह नाथ सिंह सेवानिवृत्त प्रबंधक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर कमलों द्वारा किया गया। अवसाना मैया हो, अवसाना मैया तेरी आरती उतारूं, अवसाना मैया बोले से युक्त इस आरती के निर्माता हेलो चैंप्स स्कूल के डायरेक्टर श्री संदीप सिंह जी हैं तथा इस आरती को मोहित पांडे ने संगीत से सजाया है। निर्देशक अतुल सिंह तथा अवसाना मैया की इस आरती की परिकल्पना श्रीमती अमृता सिंह, श्रीमती आरती शर्मा एवं श्रीमती मंडवनी सिंह जी की है। संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करते हुए इस आरती का विमोचन किया गया। आज के विमोचन का क्या रहा विशेषता? आज का जो विमोचन हमने रखा है, जैसे सभी को पता है कि हमारे समाज में दुख दुरिया चबाई जाती है पूजा अवसान माता की। अभी तक अवसान माता की आरती नहीं थी, तो पूजनीय संतोष जी महाराज ने इस पर आरती लिखा अवसान माता की, और उसको बड़े ही सुंदर तरीके से हमने उसको स्ट्रक्चर उसका तैयार किया और उसकी संगीत बनाई गई, लयबद्ध किया गया और उसको मैंने स्वर दिया, और बहुत ही सुंदर रचना महाराज जी ने की है। और अब उम्मीद है कि अवसान माता की हर घर में पूजा के साथ अब आरती भी होगी, उसी का भी मोचन आज हमने किया है। इसके साथ क्या रचनाएं रही हैं और भी आपकी? अब जैसे रचनाएं में तो महाराज जी ने ही रचनाएं की हैं, जिसको स्वर मैंने दिया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सुल्तानपुर में जो गोमती, आज गंगा गोमती जी, जो गंगा से भी पहले अवतरण हुआ, वो उनकी अविरल धारा बह रही है, जो भगवान राम की पाप नाशिनी है, उनकी आरती अभी तक नहीं बनी थी, उस आरती को भी बनाया गया और आज वह आरती पूरे प्रदेश में हर गोमती घाटों पर हो रही है। उसी के साथ साथ देवबीज पारिजात जी की आरती भी नहीं थी, उनकी कहानियाँ थी, कथा थी, जो भगवान कृष्ण ने सद्भामा की पूजा के लिए इंद्रलोक से धरती पर लेके आए थे, जो अपने कुशभवनपुर सुल्तानपुर में स्थित है, उनकी आरती बनाई गई। जिस नगरी में हम लोग रहते हैं, जिसका पौराणिक नाम कुशभवनपुर है, महाराज कुश की भी आरती हम लोगों ने बनाया और प्रत्येक दिन महाराज कुश की भी आरती हो रही है। जनवरी नाथ जी की आरती बनाई गई, उनकी चालीसा बनाई गई, गोमती जी की चालीसा बनाया, प्रार्थना देवबीज पारिजात जी की बनाई, श्री राम चालीसा गाया, श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के लिए गुरु चालीसा भी हमने गाया। अभी हम लोग आगे महाराज जी और हमारी अभी काफ़ी वर्क चल रहे, काफ़ी धार्मिक, तो हम लोग धार्मिक पे ही काम करें, ये हम लोगों ने प्रण किया है कि जितने भी कुशभवनपुर की धरती पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे हम लोगों ने विजयदुआ पर भी काम किया है, तो हम लोग धार्मिक स्थल पर ही काम करेंगे। और आगे अभी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो आपके बीच में धीरे धीरे इस विमोचन के माध्यम से आए। और अवसान मैया हो, अवसान मैया, अवसान मैया हो, अवसान मैया, तेरी आरती उतारू अवसान मैया, तेरी आरती उतारू अवसान मैया।